गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका यूट्यूबर साथी राजेश रोशन 407 आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल में ये ब्लॉग बनाने का सबसे बड़ा मेरा कारण ये रहा कि आज हमारे जो साथी हैं मिस्टर अनूप मंडल जी, मिस्टर शशिकांत तिवारी जी, ये सब हम लोग एक वनभोज कार्यक्रम में आए हैं जो टाटा मोटर्स के सहयोग से बनाई गई है ये प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हम लोग सब शिरकत कर रहे हैं, हमारे यूनियन के पदाधिकारी भी आ गए हैं और हम लोग ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे कि और क्या क्या हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसी से हमारा हम लोगों का हौसला बढ़ता है। भाई आप बहुत कम ब्लॉग बनाता हूँ, अब जो बना रहा हूँ तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे साथी देखिए सब साथ में ही हैं। सर आप कैमरा पर देख के हाय बोल दीजिए। चलिए भैया हम लोग आगे ब्लॉग चालू करते हैं, धन्यवाद। और इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं, बाय। फोटो नहीं हो रहा यार, वीडियो हो रहा है। 10-12 लाख रुपये का बोले सर, ज़्यादा निकल गया। हाँ नहीं, प्लान कैंसिल हो गया अब 2 सप्ताह बाद। सामान निकल गया भाई, मेरे पास है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारे वनभोज समारोह में फुटको में आयोजित किया गया है और मैं राजेश रोशन एज ए यूट्यूबर आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे टाटा मोटर्स के यूनियन स्तर पे और हमारे कमेटी स्तर पे टाटा मोटर्स में ये स्थापना की गई है और ये वनभोज कार्यक्रम चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इन सब तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए समय दिया गया और आमंत्रित किया गया कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि आप यूट्यूबर है हो तो आप रिकॉर्डिंग कर लो। मैं तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तमाम 26 महिलाओं से आग्रह है आप आए साथ साथ आ जाएं और अरविंद भैया को आप लोग कंबल प्रदान करें। 26 महिला कर्मी आ जाइए। आगे की जो कार्रवाई है मैं आपको बताता रहूंगा, थोड़ा सा आगे आगे। हाँ काफी साउंड है, तो साउंड को मैं रहने दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या क्या वीडियो होंगी। थोड़ा सा इधर से इधर हो जाइए, क्या क्या दिखाया जाएगा। तो फिलहाल आप देखिए, आप एंजॉय लीजिए। थैंक यू। चलिए आइए अशरफ भाई, चंदन आइए, संयुक्त रूप से उन्हें ब्रीफ के सुबोध जी से दीजिए। सामने आइए। चल मनोज जी आइए, सब लोग आइए। चंदन आ यार, उनको भेजिए। मनोज जी पकड़िए ना जल्दी, टिकट नहीं। दीजिए दीजिए मनोज जी, आप ही दीजिए। अरविंद जी, अरविंद पॉइंट के साथ ही आप पॉइंट प्रदान करें। जग्गू भैया को बुला लीजिए। जग्गू भैया आ जाइए साथ में, आ जाइए, हट जाइए अरविंद, अरविंद को दे दीजिए, चल जाइए जाइए। धन्यवाद साथियों, आप सबने अरविंद जी आज के स्थान ग्रहण कीजिए। अरविंद जी अब हम लोग अपने माननीय महामंत्री जी को सुनना चाहेंगे, एक बार जोरदार तालियों से महामंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय महामंत्री जी,
धन्यवाद विश्वकर्मा जी। आज टीम लाइन के द्वारा आयोजित बनभोज सा अभिनंदन कार्यक्रम में हम लोग के बीच में हमारे यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, कमेटी मेंबर और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों, हम आप सभी को शुभकामना और धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने चुनाव के बाद इस बनभोज में अभिनंदन का भी कार्यक्रम रखा। हम लोगों के बीच में कदम से कदम मिलाकर अरविंद जी ही सेवानिवृत्त हुए, उनको भी आप लोगों ने बुलाकर एक अच्छे परिवार का परिचय दिया आप लोग, कि केवल हम लोग एक साथ काम नहीं करते हैं बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग अपने साथियों के रूप सूत्र में शामिल होते हैं। तो डिपार्टमेंट के सभी भाइयों और बहनों को हम धन्यवाद देते हैं। साथियों, जब जयपुर में एक ऐसा प्लांट है जहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवार दिखता है, आज उसी कड़ी में आप सभी लोग पिकनिक में जहाँ भी हम जाते हैं, जब पिकनिक का आयोजन चालू हो गया है तो वहाँ केवल पुरुष दिखते हैं, और आज के दौर में यूनियन और प्रबंधन के लोग मिलकर हम लोग बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में महिलाओं की संख्या 50% है। तो पहला डिपार्टमेंट हमको देखने को मिला कि केवल महिलाएं कदम से कदम मिलाकर लाइन को काम नहीं करती है, बल्कि इस तरह के आयोजन में भी आगे चल रहा आप लोग भाग लेती है, इसके लिए हम सभी महिलाओं को धन्यवाद देते हैं। और यूनियन के तरफ से डिपार्टमेंट के सभी साथियों और बहनों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोग एक सुदृढ़ परिवार के रूप में हमेशा परिचय दिया है, और आने वाले समय में हम सभी लोग मिलकर टाटा मोटर्स को एक ऊंचाई तक जिस तरह आप लोगों ने पहुंचाया है, उस ऊंचाई को कायम रखने में हम सभी लोग अथक प्रयास करते रहेंगे, और साथ में मिलकर जिस तरह से पिछले साल हम लोगों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया 2700 लोगों को स्थायीकरण कराकर, उसी तरह से आने वाले समय में नए बच्चों का नियोजन भी हो, इस कड़ी में हम सभी लोग मिलकर काम करें, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान रखें। हम सभी लोग एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान रखेंगे, खास करके हमारे बीच महिलाएं काम कर रही हैं। साथियों, आज के दौर में आप देखेंगे कि सभी कंपनियों में जहाँ पर छटनी हो रहा है, उस दौर में भी टाटा मोटर हमेशा नए लोगों का नियोजन के लिए यूनियन हमेशा प्रयास करती है, प्रबंधन के लोग साथ देते हैं। तो इसका एक ही अच्छाई हम मानते हैं कि हम सभी लोग एक हैं, हर समय कुछ न कुछ लोग इसको बाधा डालने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इतने सक्षम है, आपस में इतना प्रगाढ़ प्यार है कि हम सभी लोग मिलकर कोई भी बाधा आई उसको हम लोगों ने पार किया। तो आज के दिन हमको ज्यादा भाषण नहीं देना चाहिए, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आज बनभोज भी है, तो आने वाले नए साल के लिए हम सभी महिलाओं को, पुरुषों को और अपने भाइयों को हम धन्यवाद देते हैं नए साल का। साथ में हमारे बच्चे भी आए हैं, और विश्वकर्मा जी सब आग्रह करते हैं कि ये लाइन किरण मैडम देखती है, वो भी महिला है, तो आज तो नहीं आए हैं, लेकिन हमेशा हम उनसे चर्चा करते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ अलग हम लोग वो करना, जिससे आने वाले समय में देश के लिए एग्जाम्पल बने। हम लोग जैसे महिलाएं मिलकर आपके साथ लाइन में काम करती हैं, अभी हाल के दिनों में आप लोग देखे होंगे कि हमने एक महिला को ऑफिस वगैरह भी बनाए हैं, ये पहला बार हम लोगों ने किया है। आने वाले समय में यूनियन में भी महिलाओं की सहभागिता ज़्यादा बढ़े, इस पर भी हम लोगों को मिलकर काम करना है, और एक अच्छे परिवार के रूप में अभी तक हम लोगों ने जो अच्छा काम किया है उससे भी अच्छा काम हम लोग आने वाले समय में करें। इन्हीं संकल्प के साथ आप सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महामंत्री जी। हम माननीय महामंत्री जी को बुके से भारती जी हमारे ट्रीम लाइन के तमाम साथियों की तरफ से स्वागत करेंगे। शीतल जी से भी आग्रह है कि महामंत्री जी को बुके दे करके, चूंकि अध्यक्ष जी किसी कारण से नहीं आ सके हैं, तो शीतल जी को, अध्यक्ष जी को स्वागत करना था, महामंत्री का ही स्वागत करके हम लोग ये कॉलम पूरा करेंगे। और नियाज जी,
नियाज खान जी आप आए और माला पहनाकर महामंत्री का स्वागत करें। थोड़ी बात मयाल जी भी आएंगे, मनोज कुमार मयाल। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। मनोज कुमार मयाल जी, मनोज जी से आग्रह है कि आप एच एस सैनी जी को माला पहना के स्वागत करें। अरविंद जी से आग्रह है कि आप अनिल शर्मा जी को माला पहना के स्वागत करें। रंजय जी से आग्रह है कि आप आए और ऐशन भैया को माला पहना के स्वागत करें। चंदन जी से आग्रह है आप आए। चंदन दिलीप जी से आग्रह है आप सामने हैं। दिलीप जी, रवि जायसवाल, दलवीर, रविंदर भाई, रवि जायसवाल, अरे भैया नहीं करो तो माला पहना जो बैठे हुए हैं वहाँ पर और जो खाली होंगे खाना नहीं उधर उधर बैठे हुए हैं। साथियों, हमारे बीच कल ही सेवानिवृत्त हुए हैं अरविंद जी। अरविंद जी से आग्रह है कि आप आए और मंच के पास अरविंद जी आए और मंच पर बैठने का कृपा करें। आइए अरविंद जी। हम ये छोटा सा प्रयास अपने यहाँ स्वागत करने का, तो चूंकि कार्यक्रम है हम लोग मिले हैं और एक दूसरे को समझेंगे, तो मैं चाहूंगा इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष अनिल शर्मा जी से कि दो शब्द हम लोगों के बीच रखें। अनिल शर्मा जी, धन्यवाद। विश्वकर्मा जी, आज न्यू ट्राइन स्ट्रीम लाइन की ओर से आयोजित सम्मान समारोह और वन भोज आयोजन में हम लोगों के बीच टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के महामंत्री आर के सिंह जी मंच पर बैठे हुए, एस एस सैनी जी, एस एन सिंह जी उपस्थित, सारे साथियों ये सचमुच हमारे लिए गौरव का दिन है कि आज आप अपने बीच में हम लोगों को बुलाकर हमें सम्मानित किया। मैं आपको इतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो विश्वास हमारे प्रति है, मैं उस पर, हमारी यूनियन उस पर 100% खरा उतरने की कोशिश करेगी। कभी भी जब आपको महसूस हो, यूनियन सदैव आपके साथ खड़ी है। आपके यहाँ जो लोग भी हमारे यूनियन के हैं वो काफ़ी कर्मठ लोग हैं और उनका चार व्यवहार आपने देखा है। आज चूंकि वनभोज भी है और आप लोग खाने पीने का कार्यक्रम रखा है, इसीलिए इस अवसर पर बहुत कुछ नहीं करते हुए आप लोगों को पूरे यूनियन की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद और आज खाने पीने का आनंद ले। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संयुक्त महामंत्री श्री एच एस सैनी जी से आग्रह करूंगा कि वो शब्द हम लोगों के बीच रखें। धन्यवाद शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम स्ट्रीम लाइन के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं महामंत्री, आपको पता है विगत दिनों जो हमारा इलेक्शन हुआ जिसमें हमारे महामंत्री का
और अध्यक्ष जी का ऑप्शन हुआ, उसके बाद पूरी टीम बनी, इसके लिए जोरदार ताली बजा के। और मंच में बैठे हैं अनिल जी, एहसन बाबू, नवीन, प्रवीण और खास आज हमारी जो महिलाएं साथी यहाँ बैठी हैं, उनके साथ जो बच्चे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बार महिला के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि नेताजी ने आते साथ ही कहा कि महिला लोग का यहाँ पर 100% योगदान है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कल परसों ही हमारा जनरल ऑफिस में एक मीटिंग हुआ था जिसमें डाइवर्सिटी पर बात हुई थी कि महिला लोग के बारे हमको कुछ सोचना है, आगे और क्या करना है। इस पर हमारे दोनों नेता जी आगे और काम कर रहे हैं। और इस पर और एक नया आपको मैं बता दूं, नेता जी आपको बताएंगे, इसमें हमारे जो मुख बधिर है, जिसको सुनने में और बोलने में दिक्कत आ रही है, उसका भी बहुत जल्दी प्लेसमेंट होने वाला है। और आगे हम लोग और कैसे आगे इसमें अच्छा करेंगे, और कहीं ना कहीं ये सब काम हमारे मजदूरों के लिए हो रहा है। और आपको खास आज बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।